इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी मुझे ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. हाउ टू डू कल वाला ही कंटिन्यू है. नहीं लेकिन से बेटा लेकिन से बोलने दो. हाँ जी आयान, कल हमने लास्ट स्टेप क्या किया था? डू यू नो द रीजन व्हाई आई हैव मेड यू स्टैंड एंड टेल? बिकॉज लास्ट पार्ट पे बेल होते ही आप उठ गए थे. सुना था मुझे लास्ट में, मैं करवा रही थी जब. क्या था लास्ट स्टेप? ओ ए इज इक्वल टू. हाँ जी ओके अब देखो इसको, अब क्या प्रूफ करना है, कैसे करना है. ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, वी आर टू प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एनी ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. लेट हिम टेल बेटा. यहां देखो फिगर, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. स्क्वायर गिवन था, it was a square given or we are to prove square is given. chalo milan dhyan se suno ab. oa is equal to common. let him tell angle d is equal to. वो कैसे बेटा? मैंने ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ली है, अल्टरनेट में ये एंगल डी तो ट्राइंगल से बाहर हो जाएगा. हाउ कैन आई टेक दैट 90? आई हैव टू प्रूव ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. बॉयज केयरलेस हो गए ना फिर. ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है. ये भी साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. बस बस ऐसे लग रहे हैं, बता नहीं रहे हो, शोर डाल रहे हो. बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओबी इंप्लाइज एंगल एओडी is equal to angle AOB. कल किसी equation को name दिया था हमने 1, 2, 3, 4. Okay, let this be your equation number 1 then. Now, angle AOD plus angle AOB. Why? But angle AOD plus angle AOB is 180. लीनियर पेयर. अब यहां यूजिंग वन एओडी को हम रिप्लेस कर देते हैं एओबी से. So this implies angle AOD is also equal to 90 degree, implies diagonals bisect, हम already prove कर चुके हैं, at right angles.
सो दिस वी वर टू प्रूव दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एट राइट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल. दिस आई हैव मेड द सिंबल फॉर द एंगल, आप यहां पे एंगल लिख भी सकते हैं. डन, क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिमिलर लगते हैं. तो जब आप समझ रहे हो आपको इजी लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल ट्राई टू डू इट योर सेल्फ देन इट विल सीम डिफिकल्ट. ठीक है, तो बेटर है आप डेली का डेली जो है उनकी दो दो तीन तीन बार करके देखो ये क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल हैव होल्ड ऑन दीज सॉल्यूशंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, रिटर्न कर दो इरेज, किसी का रह गया है तो यू कैन, आई कैन गिव यू द टाइम. ओके, कंप्लीट इट. कहाँ लिख रहे हैं जी आप फिगर के बिना? मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये स्क्वायर है. कौन मैथमेटिशियन इसको स्क्वायर कहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जिनका हो गया है. अब ये इसका कन्वर्स है, जो अभी हमने की है थ्योरम इसी का कन्वर्स है. नाउ वी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, हमें गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर शो दैट इट इज अ स्क्वायर. जो हमने ये क्वेश्चन किया था उसमें हमें स्क्वायर गिवन था, हमने डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल प्रूव किया था, तो इसका ये कन्वर्स है. अब हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है एंड वी आर टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर. तो जो प्रूव करना है वही आप बना लोगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. गिवन क्या लिखें? डायगोनल इक्वल है, इफ द डायगोनल शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस ये गिवन है. इफ वाली कंडीशन आपको गिवन है, देन वाली आपको प्रूव करनी है. ठीक है, देन इट इज अ स्क्वायर, इट मींस यू आर टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर. तो यू आर गिवन डायगोनल्स आर इक्वल डायगोनल्स. ओके, डायगोनल्स इक्वल मींस ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मींस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ठीक है जी, क्लियर. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो चारों वाले जो आपके एंगल्स जहां पे आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं दे आर राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री ईच. डायगोनल्स बाइसेक्ट यानी कि ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, ओ बी एंड ओ डी आर इक्वल. नाउ वी आर टू प्रूव ए बी सी डी इज अ स्क्वायर.
स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी? ऑल साइड्स आर इक्वल तो रोम्बस भी हो सकता है, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री। चलिए कैसे करें हम? पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं? एडजेसेंट और ऑपोजिट। एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की, मतलब हम चारों साइड्स इक्वल शो कर रहे हैं। ओके पहले कौन कौन सी ट्राइंगल है? मैं नेम दे देती हूँ, आप मुझे बताओ कौन कौन सी है। फर्स्ट फोर्थ या फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते हो आप। फर्स्ट सेकंड ले रही हूं मैं, तो ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकंड। डीओ कॉमन हो गया, ओके। क्लियर? ये सब हमें गिवन था या कुछ कॉमन बन रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। अब क्या होगा इससे? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा? ट्रिपल एस आप नहीं लगा सकते क्योंकि एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल प्रूफ करनी है। हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है? तो वी आर यूजिंग दिस एस ए एस। नाइन्टी के अपोजिट इज हाइपो, हाइपो का कुछ गिवन नहीं है मुझे, तो आरएचएस नहीं लगेगा, ठीक है? आरएचएस नहीं लगाओगे क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट यू नो दैट इज अ हाइपो, और हाइपो से रिलेटेड एडी से या सीडी से रिलेटेड मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका नहीं लगेगा। सो बाय एससीएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ पे सिर्फ यही रूल लग रहा है। इवन एएएस आल्सो यू कैन नॉट यूज बिकॉज एंगल्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। कौन सा? कैसे? ओपोजिट साइड्स, मुझे क्या पता कि ओ ए और ओ डी इक्वल है, तो वो तो अभी करेंगे ना, ठीक है? हाँ जी, चलिए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ध्रुव ये क्या कर रहे हो आप? सुनो मत, आप सिर्फ मुझे सुनो और किसी को नहीं सुनना आप। जब मैम बोल रहे हैं मैम को सुनो बस, बाकी कोई बोल रहा है लेट देम। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस सिमिलरली क्या लिखूं? सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। साइड्स इक्वल हो गई, अब हमने इसको स्क्वायर शो करने हाँ जी रोम्बस तो हो गया। अब अच्छा यहां से एक चीज और वी कैन राइट डाउन, इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ
पैरेललोग्राम हो गया, तो इट मींस मेरे पास जो एंगल्स हैं वो क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। वहां से आप वन एंगल 90 डिग्री शो कर दोगे, ऑल साइड्स इक्वल विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रोम्ब स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे पास कंडीशन आई है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, सो इट कैन बी अ रोम्बस एज वेल एज अ स्क्वायर। हाँ जी, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑपोजिट एंड एडजेसेंट ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट विल बी अ स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर। अब क्या ले इसके बाद, यही रेज कर दूं? चलो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्या मिला मुझे इससे? सिंस ऑल साइड, सिंस ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंस अब पैरेललोग्राम है तो कौन कौन से एंगल्स लेंगे? क्या मुझे पहले अब एंगल्स भी लेने हैं, कैसे लेके चलूं, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेके चलूं या क्या लेके चलूं? मुझे कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल शो करने हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो वो उनका सम 180 होगा, एंगल्स इक्वल होंगे तो हम लेके चल सकते हैं। ए सी डी, उससे क्या होगा, कैसे एंगल सी पूरा थोड़ा आएगा आपका, डी पूरा आएगा और बी पूरा आएगा उससे तो। हाँ जी, एक 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 करके बोलो प्लीज। ए और डी में एक 90 गिवन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले वो हमें इक्वल शो करने पड़ेंगे ना। ए सी डी एंड बी बी सी, एक सेकेंड, यू आर सेइंग ए सी डी, ये एंगल डी पूरा आ गया, दूसरी एंगल सी पूरा आ गया, ले सकते हो। अब इनको कैसे प्रूव करोगे? डी बी ए एंड किसमें ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। किसमें कह रहे हो, जो आपने बताई है? सी बी कॉमन हो गया, देन एस, हाँ इज दैट गिवन, डायगोनल्स इक्वल गिवन है। हमने क्या प्रूव किया? हमने सिर्फ साइड्स इक्वल प्रूव की हैं, हमें ये नहीं पता कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। उसने सही जवाब दिया था हीवन ने कि वो एंगल आपके हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उनको लेके चल सकते हो। बट हाउ विल यू शो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ डी? क्या, हाँ कौन कौन से सीपीसीटी से कौन कौन से एंगल्स बनेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हुए, ये वाला और ये वाला इक्वल हुए, कैसे? वही तो शो करना पड़ेगा ना, गिवन है बस, फिर तो उससे भी हो जाएगा जैसे आप कह रहे थे, देन इट्स ओके। अब कौन सा कंसेप्ट लगाना है?
अच्छा उसमें था आपका ए सी इक्वल टू बी डी आ गया, ए डी इक्वल टू सी डी आ गया, थर्ड क्या था ए डी इक्वल टू बी सी आ गया, सी डी कॉमन, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि एंगल डी और सी इक्वल आ गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ऐसे कर लो। चलो हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन से एंगल्स बेटे? ओपोजिट एंगल्स सेम होंगे, हम को इंटीरियर ले रहे हैं, ठीक है। ओहो एक ही बात है, एक ही, मैं अब बोर्ड को घुमा के नहीं ना समझाऊंगी, मैंने इसलिए ऐसे ले लिए, बात तो वही है। अब इसमें कौन कौन से पूरे एंगल्स बन रहे हैं, ए और बी, अब ट्राइंगल्स बताओ कौन कौन सी लें। मैंने यहाँ अगर ए बी डी लिखा तो इधर कौन सा आएगा, बी क्लियर, क्योंकि एंगल ए और बी हम इक्वल शो कर रहे हैं, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, तो ये ए बी था, ये बी ए हो गया, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए और यहाँ पे भी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, देन जो बचे वो हमने लिखे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे थर्ड कंडीशन, बाय हाँ जी, एडी और बीसी इक्वल ओपस, हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दी ना, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी, अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, बट इधर लिख दूं, यहां विजिबल है, बट दीज आर कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180, a parallelogram with all sides equal and one angle 90 degree is a square. Clear? वत्सल क्या कर रहे हैं, किसकी वॉच है ये, दे वापस उसको, हाँ जी किसमें, रेक्टेंगल में बेटे, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में वैसे हम क्या पढ़ते हैं, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में अगर हमने वन एंगल 90 डिग्री कर दिया, क्योंकि ओपोजिट पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ हम ऑलरेडी सभी साइड्स इक्वल शो कर चुके थे, तो पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर,
रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस है, रेक्टेंगल की अभी अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। ठीक है, चले आगे, नोटेड डाउन, अंडरस्टूड ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करो जी, करो, आई एम गिविंग यू द टाइम, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। हां जी, बेटे सारी इक्वल नहीं प्रूव हुई ना, हमें क्या गिवन था डाई। हाँ, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, इफ यू आर गिवन द डायगोनल्स आर इक्वल ना, तो एंड दे आर बाइसेक्टिंग, तो इट मींस ओए इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओसी, देन यू कैन डू इन दैट वे आल्सो। हाँ जी, फिर आप ले सकते हो कि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये एंगल 45 डिग्री ईच आ गया, ये एंगल 45 45, ये 45 45, तो 90 90 हो गया, सो इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, डन ध्रुव। हाँ जी, चलें अगले पे, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं नोट डाउन किया अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जाओ जी जाओ। हाँ जी, क्या हो गया, करो जल्दी करो। ईवा डन, क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हो, एनी डाउट? हो गया नोट डाउन? वेयर इज योर मास्क? ये भी टीचर्स याद करवाएं कि डाल के बैठने। किसने डाल लो बेटा, ऐसे ना किया करो, सबके लिए है, अब तो मौसम बहुत चेंज हो गया बेटा। मास्क किसी भी बच्चे ने उतारना नहीं है, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो एंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो ये हमने शो करना है, तो हम रोम्बस ही बनाएंगे। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और शो करना है दैट इट इज अ रोम्बस, तो मैं उसको इसी शेप में बनाऊंगी, रोम्बस को, अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। गिवन क्या आएगा, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, व्हाट वी आर टू प्रूव, एसी बाइसेक्स एंगल सी मींस आई हैव टू शो दैट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इतना लिख लो, प्रूफ वी विल डू टुमारो। कंप्लीट अप टू दिस पॉइंट, प्रूफ वी विल डू टुमारो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Proof we will do tomorrow, bache, as the bell has gone.